बीती रात रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा स्थित मालपुरा गांव में एक मकान से बरामद हुए लापता मासूम के शव के मामले में पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। मामले की जांच स्वयं डीएसपी कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मासूम की हत्या के कारणों का खुलासा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिता की मौत के बाद 8 वर्षीय एकलौता प्रिंस काफी समय से मालपुरा गांव में अपने चाचा सतीश के पास रह रहा था। बीते रविवार को अचानक प्रिंस घर से लापता हो गया। सतीश ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। परिजनों ने अपने स्तर पर भी उसकी तलाश की मगर कोई सुराग नहीं लगा। सोमवार को जब जांच के लिए गांव में पुलिस पहुंची तो पता लगा कि राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले एक किराएदार के साथ बच्चे को देखा गया था। पुलिस ने जब उसके कमरे पर तलाशी ली तो बैग में बंद बच्चे का शव बरामद हुआ। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बहरहाल पुलिस ने मेडिकल बोर्ड द्वारा मासूम के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। इधर घटना से गुस्साए परिजनों का कहना है कि मकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा पुलिस को चाहिए कि कोई भी किराएदार रखने से पहले उसकी वेरिफिकेशन अनिवार्य करे ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों के बाद आरोपी की पहचान हो सके। ये जो कल हादसा हुआ है क्या किस तरह पूरा मामला? ये बच्चा करीब 4 बजे लगभग जो है परसों खेल रहा था तो उस समय किसी लोगों ने जो है अगवा कर लिया उसको और अगवा करने के बाद में जैसे पुलिस को रिपोर्ट दी तो पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई और उसके चलते कार्रवाई की तो सामने आया मामला कि बच्चे का जो है अपहरण फला आदमी ने किया है और उसके मद्देनजर ही जो है पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि बच्चे को जो है मतलब मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद अगली कार्रवाई अभी चालू है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जाँच कर रही है और हम संतुष्ट हैं, मतलब सही सही कार्रवाई चल रही है। तो जिस तरह बच्चे का मर्डर हुआ आप कह रहे हैं तो क्या लगता है कोई रंजिश पुरानी की या कोई? इसमें बात निकल के तो पुलिस जब जांच करेगी तो बात सही बात तो तभी आएगी, उससे कुछ भी पहले कहना उचित नहीं है। बाकी नहीं लगता है कि भाई कोई उस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष से हमारे भाई की कोई दुश्मनी रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से बच्चे की हत्या कर दी, हाँ इसमें एक जो डेड बॉडी है बच्चे की सूटकेस में मिली है, ठीक है, और जो एक्यूज है उसको हमने अपने गिरफ्तार कर लिया है और उसका रिमांड लेंगे आज और इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे गहनता से। सर क्या वजह रही सर इसकी हत्या करने की? इसमें अभी हम गहनता से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी अक्यूज का जो है वो रिमांड लेंगे, रिमांड के बाद जैसी स्थिति होगी आपको बताएंगे। कहाँ का रहने वाला सर अक्यूज? ये राजस्थान का रहने वाला है। क्या कुछ करता था ये, इसके बारे में आपको पूछताछ के बाद। नाम क्या है सर इसका, नाम क्या है सर? नाम अभी बताएंगे आप सर। जिस तरह से किराए पे रखा हुआ कहीं ना कहीं मकान मालिक भी दोषी है बिना वेरिफिकेशन पे किराए पे रखना। हाँ बिल्कुल दोषी है, बिना वेरिफिकेशन लोगों को करानी चाहिए जो किराएदार आते हैं। और ये बच्चा कब लापता हुआ था सर? ये लाजे परसों हुआ था, ये परसों हुआ था और कल रात को इसको हमारी काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद तो इसको पकड़ा है, वो रिमांड लेंगे उससे पूछताछ। अब पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया जा रहा है या बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? क्या सर इस हादसे के बाद सर पुलिस जागेगी कि वेरिफिकेशन किया जाए किराएदारों का? हाँ बिल्कुल, मैंने ये अभी भी बार बार कहता हूँ मैं कि जितने भी किराए जो है मकान मालिक है किराएदारों का वेरिफिकेशन कराए थाने में जाते। सर पुलिस की दोबारा कुछ इस तरह का अभियान चलाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसका अभियान हमने चेक कर रखा है, हमने ओपन है, कोई भी किराएदार कोई भी जो मकान मालिक है अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन करा सकता है। सर इस मकान मालिक के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करेंगे? जिस मकान मालिक जिसमें रह रहा था किराएदार उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।